अतीतर इतिहास को भविष्य सह जोड़ा चलतु देखा आम देश को किसी एभली कनक्लेव करगस जहाँ को नहीं समस्ते खुशी समस्ते उत्साहित कहीं देशर विभिन्न अतिथि मैंने आम सहित जोड़ी होती आज अतिथि अच्छा बेक पुरीजी सहित कथा हाँ जे कि रिप्रेजेटेटर अच्छा वर्तमान कनक्लेव रे सर आपको पहले अर्गस न्यूज चैनल को स्वागत करती हूँ और कैसा लग रहा है आज आकर इस कनक्लेव में। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अर्गस न्यूज़ को कि उन्होंने एक मेगा कॉन्क्लेव यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जिसमें कि हमें जम्मू कश्मीर टूरिज्म के बारे में अपने विचार रखने का मौका मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर दो खितों में बंटा हुआ है जिसमें कश्मीर एंड जम्मू डिफरेंट अलग अलग प्रोविंसेस हैं। हमारे वहाँ का डायलैक्ट वहाँ की कुजीन थोड़ी डिफरेंट है। मैं आपको आज जम्मू के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के कारण टूरिज़्म डिपार्टमेंट का पूरा बैकबोन ही टूट गया था। टू रिवाइव टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने काफ़ी इसमें मेजर्स लिए हैं, जैसे कि लास्ट ईयर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने 75 इकोनिक इवेंट्स करवाए, फेस्टिवल करवाया, वहाँ पर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करवाई। उसके बाद हमने कोविड का असर कम करने के लिए जिससे कि हमारा जो टूरिस्ट का जो क्राउड है वो कम हो, उसके तहत हमने 75 ऑफ वी डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई की जिसमें 37 डेस्टिनेशंस जम्मू में हैं एंड 38 डेस्टिनेशंस कश्मीर में हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि वो डेस्टिनेशंस किसी दूसरे टूरिज्म प्लेस से कम नहीं है, उसमें बराबर ही वहाँ आप आएँ, वहाँ पर आपको वहाँ पर पूरा लुत्फ मिलेगा, टूरिज़्म का एडवेंचर मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगी, बॉर्डर टूरिज़्म मिलेगा आपको, वेट लैंड वर्ल्ड वाचिंग मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट टूरिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटी है आप वहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। जी, आप तो ये अपनी स्टेट के बारे में बात की, लेकिन जब आप उड़ीसा आते हैं यहाँ पे रसगुल्ला फेमस है, यहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ जी फेमस है, आपको क्या अच्छा लगता है उड़ीसा में? मैं फर्स्ट टाइम उड़ीसा आया हूँ तो सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहूँगा कि वो हमारा हिंदू माइथोलॉजी में एक चार धाम में एक धाम है। तो उसके अलावा उड़ीसा के बीचेस बैक वाटर चिल्का लेक हमने कल विज़िट किया, बहुत ही मज़ा आया, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत फ़न किया हमने। और भी उड़ीसा के जो ट्राइबल जो टूरिज़्म है उसमें भी हम इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उड़ीसा स्टेट टूरिज्म प्रमोशन में किसी और दूसरी स्टेट से कम नहीं है। सर, लास्ट रिएक्शन लेना चाहूँगी कि अर्गस की ये कंक्लेव अगर विद इन वन लाइन आपको डिस्क्राइब करना हो तो क्या करेंगे? चलो देखो अपना देश, इस थीम को लेके अर्गस ने जो कंक्लेव ऑर्गेनाइज करवाई है, मुझे लगता है कि अपने देश को देखने से एक तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, दूसरा और डेवलपमेंट के नए नए हम सिनेरियो पैदा कर सकते हैं और बाकी जो आउटबाउंड टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उनको हम बीट कर सकते हैं।